नमस्कार तो साथियों मैं, साथ मैं कुणाल शर्मा टीम फिजिक्स सी एल सी सिकर से आज हम डी टी एस हरियाणा में जो हो रहा है उसका वीडियो सॉल्यूशन करते हैं कक्षा छः के लिए तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहलाता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है अपने पास में इसको देखें तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उससे धारा का निर्माण होता है क्योंकि हम जानते हैं आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यूबी तो आवेश प्रवाह की दर प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है तो इसको हम कह देंगे सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा ओके अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है फिलामेंट ऑफ टॉर्च बल्ब इज टॉर्च बल्ब का फिलामेंट होता है तो टॉर्च बल्ब का जो अपने फिला बल्ब जो होता है बल्ब अपन यूज करते हैं उसका फिलामेंट जो है वो अपने पास में धातु का बना हुआ होता है वो बहुत कम प्रतिरोध के लिए काम आता है तो धातु की अवस्था में होता है लेकिन अपने सबसे यहाँ सही ऑप्शन दे रहा है सुटेबल अपने पास में तार होता है एक पतला तार ये इसका सही आंसर है टॉर्च बल्ब का फिलामेंट एक पतला तार होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी को आमतौर पर किस इकाई में नापा जाता है तो जो लंबी दूरियां होती है उनको हम लोग किलोमीटर में नापते हैं छोटी दूरी को मीटर में नापते हैं बहुत छोटी दूरी होती है उसको सेंटीमीटर में नापते हैं तो इसका सही आंसर है अपने पास में किलोमीटर में नापा जाता है द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई इज यूजली एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ किलोमीटर ओके नेक्स्ट अपना क्वेश्चन करते हैं अपने चार नंबर पॉलिथिन इज पॉलीथिन क्या है तो पॉलिथिन क्या होता है अपने पास में एक कुचालक है पॉलिथिन एक इंसुलेटर होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पास में इंसुलेटर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने इसमें वह पदार्थ क्या कहलाता है जो तो बिजली को अपने में से गुजरने देता है ए सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रो इज कॉल्ड क्या कहलाता है तो बिजली जाने देता है वो अपने को कहलाता है एक चालक पदार्थ कहलाता है एक कंडक्टर होता है जो अपने में से बिजली को जाने देता है फ्लो होने देता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्षेत्रफल की इकाई है क्षेत्रफल यानी कि क्या होता है क्षेत्रफल अपने पास में अपन बढ़ा है आपने अपन कहते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई ठीक है तो क्षेत्रफल के लंबाई गुणा चोला लंबाई भी मीटर में है और चौड़ाई भी मीटर में है तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर स्क्वायर तो सही आंसर आपके पास में एरिया मीटर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आवर्त गति का उदाहरण कौन सा है आवर्त गति का उदाहरण आवर्त गति क्या होती है तो विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ द पीरियोडिक मोशन आवर्त गति है क्या चीज तो जब भी कोई कण अपने पथ को बार बार दोहराता है निश्चित समय में एक निश्चित टाइम इंटरवल में अपने पाथ को बार बार ट्रेस कर रहा होता है उसको हम गति कहते हैं तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन अपने पास में हो जाएगा ऑसिलेशन ऑफ ए इज द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन आवर्त गति का उदाहरण है ये वाला ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं इसमें पहेली इज रनिंग शॉर्ट ऑन ए कनेक्टिंग वायर्स टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट शी मे यूज ए तो इलेक्ट उसके पास में जस्ट कह रहे हैं पहेली के पास संयोजन तारों की कम कमी है कोई सर्किट बनाना है तार उसके पास में कम है तो कम तार हैं तो उसको कैसे सर्किट को कंप्लीट कर सकती है जस्ट एक एग्जांपल की बात करूं ये मेरे पास में एक सर्किट था जिसमें इस तरह से यहां पर मान लीजिए एक मैंने बल्ब लगाया और ये सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है इसमें शॉर्टेज है ठीक है तो इसके शॉर्टेज है तो इसको कैसे कंप्लीट किया जाए तो मैं इसमें कोई बीच में ऐसी चीज जोड़ दूं, जो करंट करंट फ्लो फ्लो करने करने के लिए तो करने के लिए लिए बाध्य हो तो कौन बाध्य होता है कौन करंट फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे मेटल ठीक है मेटल धातु धातु में से धारा प्रवाहित हो सकती है तो इन सब में सही उत्तर कौन सा हो गया पास में स्टील की चम्मच स्टील की चम्मच धारा प्रवाह के लिए है धातु है धात्विक है मेटलिक है करंट फ्लो हो जाएगा इसलिए स्टील स्पून इज दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कौन सा संबंध सही है इज करेक्ट करेक्ट रिलेशनशिप रिलेशनशिप कौन सी है इनमें से तो अपन जानते हैं कि वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर होता है तो वन मीटर में सौ सेंटीमीटर है तो ये सबसे सही रिलेशन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यदि किसी तार से दस कुल का आवेश पांच सेकंड तक प्रवाहित होता है तो धारा का मान कितना होगा इन इफ टेन कलाम चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर फॉर फाइव सेकेंड द अमाउंट ऑफ करंट विल बी तो अभी अपन ने पढ़ा करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी क्यू कितना दे रखा है आप लोगों को टेन कुल और टाइम कितना दे रखा है फाइव सेकेंड ओके तो करंट कितना हो जाएगा आई इज इक्वल टू टेन अपॉन फाइव दैट इज टू एम्पियर तो इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा टू एम्पियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर ग्यारा। निम्न में से विद्युत का चालक है विच वन इज फॉलोइंग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक कंडक्टर कौन होगा तो देखो लकड़ी वुड इंसुलेटर होती है और सिल्वर चांदी कंडक्टर है प्लास्टिक इंसुलेटर है और टायर रबड़ का होता है वो भी अपने पास में किसका हो जाएगा इंसुलेटिंग हो जाएगा तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास में हो जाएगा चांदी सिल्वर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं इसमें पूछ रहा है अपने पास में यूनिट ऑफ स्पीड इज स्पीड की यूनिट क्या होगी तो स्पीड की यूनिट हम सब जानते हैं मीटर पर सेकंड होती है मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने इसमें कह रहा है इन द इंसिडेंट ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थर्टी डिग्री देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इसमें पूछ कह रहा है कि यदि इंसिडेंट एंगल तीस डिग्री का है तो रिफ्लेक्शन एंगल कितने डिग्री का होगा बहुत आसान सा क्वेश्चन है देखिए ये टॉपिक आपने पढ़ा भी है इसके अंदर अपने नियम जानते हैं आपतन कोण किसके बराबर होता है परावर्तन कोण के आपतन कोण बराबर कब होता है परावर्तन के ये एक सरफेस है अपने पास में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है परावर्तक सतह है जिसमें एक लाइट इंसिडेंट हुई और यहां से इसका रिफ्लेक्शन हुआ ये नॉर्मल हमने बीच में खेच लिया तो हम कहते हैं कौन? ये ये एंगल आई, ये एंगल आर के ये एंगल, आई है, ये एंगल आर हो जाएगा तो यदि ये, ये एंगल तीस डिग्री का है तो ये एंगल भी तीस डिग्री का बनेगा तो आपका सही आंसर हो गया तीस डिग्री विच इज ऑप्शन नंबर थ्री ये आपका करेक्ट आंसर है ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने चौदह नंबर हाउ मेनी टर्मिनल्स इन ड्राई सेल एक शुष्क सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो इसके अंदर सही आंसर आपका है एक टर्मिनल इसके अंदर रहता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक टर्मिनल रहता होता है नेक्स्ट अपन करते हैं इसमें क्वेश्चन फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है किस मेटीरियल का बना होता है तो वो बना होता है टंगस्टन धातु का तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन धातु ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सोलवा विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंसुलेटर इंसुलेटर का एग्जाम्पल कौन है इसके अंदर तो अपने पास में इंसुलेटर देखिए जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है तो आपका ब्लैक प्लास्टिक है प्लास्टिक का प्रकार है इसमें करंट फ्लो नहीं होता है एल्यूमिनियम में से करंट फ्लो होता है पानी में से भी करंट फ्लो होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैकेलाइट सॉरी हाँ बैकेलाइट इसका उदाहरण होगा कुचालक पूछा है तो कुचालक एग्जाम्पल हो गया बैकेलाइट ओके इसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता है हेलो एवरीवन माय सेल्फ कविता राजपुर टीम सीएलसी टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डीटीएससी पेपर हरियाणा देखिए क्लास सिक्स का ये पेपर है इसमें हम सॉल्यूशन करने वाले हैं केमिस्ट्री पार्ट का देखिए केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं से, वो सेवनटीन नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों इस प्रकार है इनर्ट गैसेस आर आल्सो कॉल्ड यानी हमें देखना है कि इनर्ट गैसेस को हम और क्या बोलते हैं तो हम जानते हैं कि जो इनर्ट गैसेज होती है वो रिएक्टिव नहीं होती है इसलिए हम क्या बोलते हैं इन्हें नोबल गेसेज बोलते हैं बच्चों क्या बोलेंगे नोबल गैसेस तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन यानी इस पेपर का एटीन नंबर क्वेश्चन है देखिएगा आप लोग फॉलोइंग इज नॉट ए गेस यानी हमें देखना है कि जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं उनमें है, उन से कौन सा एक गेस नहीं है चलिए बात कर लेते हैं बच्चों हम देखें हीलियम बच्चों ध्यान रखना कि जो हीलियम होती है वो क्या होती है एक गैस होती है बात करते हैं आर्गन तो आर्गन भी क्या होती है बच्चों एक गैस होती है अगर बात करें हम ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन भी क्या होती है बच्चों एक गैस होती है लेकिन अगर हम बात करें ब्रोमीन तो ब्रोमीन एक गैस नहीं होती है यानी यहां पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन क्लियरली समझ आ रहे होंगे नाइनटीन क्वेश्चन देखिए गैस इज प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी आपको यहाँ पे फिल करना है कि कौन सी गैस है जो कार्बनिक पदार्थों के जलने से उत्सर्जित होती है तो बच्चों ध्यान रखना जब हम ऑर्गेनिक किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को जलाते हैं तो CO2 टू गैस रिलीज होती है यानी यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखिए विच इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड यानी प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड कौन सा नहीं है अब अगर हम बात करें सॉलिड की तो बच्चों जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है क्या करता है स्पेस ऑक्यूपाइज करता है वो तो क्या हो जाएगा सॉलिड हो जाएगा अगर वॉल्यूम रखता है तो भी वो क्या हो जाएगा सॉलिड यानी स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए वॉल्यूम रखना चाहिए और बताइए बच्चों और प्रॉपर्टी क्या हो सकती है तो पहली प्रॉपर्टी हमने क्या देखी कि स्पेस क्या करना चाहिए बच्चों ऑक्यूपाई तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है अगर हम बात करें वॉल्यूम तो बिल्कुल करेक्ट है यह आयतन भी रखता है यह भी करेक्ट है अगर हम बात करें इट हैज फिक्स शेप यानी किसी भी सॉलिड की फिक्स आकृति होती है बिल्कुल सही है फिक्स्ड क्या होती है शेप तो हम बात करें इस थर्ड ऑप्शन की तो देखिए इट कैन बी इजीली क्या किसी सोलिड को हम इजिली कंप्रेस कर सकते हैं क्या तो हम बोलेंगे नहीं हम किसी भी सोलिड को इजिली कंप्रेस नहीं कर सकते यानी यहाँ पे बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो एक सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है बाकी ये सारी की सारी सोलिड की प्रॉपर्टी है लेकिन थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन फॉर्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बन मोनो ऑक्साइड का हमें फॉर्मूला देखना है बच्चों देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड तो एक तो हमें क्या लिखना है कार्बन यहाँ पे क्या लिखा मोनो ऑक्साइड यानी एक ही हमें क्या लिखनी है बच्चों ऑक्सीजन ये देखिए एक तो हो गया कार्बन मोनो ऑक्साइड यानी एक ही हमें क्या लिखनी है ऑक्सीजन यानी जहां पे भी आप लोगों को सी ओ दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज बच्चों एटॉमिक नंबर बताना है नाइट्रोजन का तो हम जानते हैं सबसे पहले आता हाइड्रोजन उसके बाद में आता हीलियम देन आता है लिथियम बेरेलियम बोरोन कार्बन और सबसे लास्ट आता है नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन कितने नंबर पे हो गया देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा बच्चों सेवन यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है मेजर पार्ट ऑफ द एयर इज यानी एयर में सबसे मेजर पार्ट क्या होता है देखिए अगर हम बात करें तो एयर में बच्चों सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन आप सभी लोग जानते हैं तो एयर में सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी नाइट्रोजन उसके बाद बच्चों क्या होती है ऑक्सीजन तो हमें पूछा जा रहा है कि मेजर पार्ट क्या होती है तो हम किसको टिक करेंगे नाइट्रोजन को क्योंकि सबसे ज्यादा एयर में क्या होती है बच्चों नाइट्रोजन होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी फोर नंबर क्वेश्चन एयर कंटेंस डेसडेस एस ऑक्सीजन यानी एयर जो है वो कितना परसेंट ऑक्सीजन कंटेन करती है तो ध्यान रखना एयर 21 परसेंट ऑक्सीजन कंटेन करती है यानी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन इन हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर डज वॉटर एग्जिस्ट यानी पदार्थ की कितनी अवस्थाओं में जल हो सकता है यानी जल जो है पदार्थ की कितनी अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है देखिए वोटर की अगर हम बात करें तो बच्चों जो वोटर होता है उसकी हम स्टेट अगर देखें तो देखिएगा आप लोग सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है ये सही है लिक्विड फॉर्म में भी ये हो सकता है और गैस फॉर्म में भी ये हो सकता है यानी यहाँ पे तीनों फॉर्म पॉसिबल है यानी आंसर क्या आ जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ आ रहे होंगे सारे के सारे जो सोल्यूशन से देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन द क्लॉस ड्राई इन द सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ यानी अगर हम बात करें कि कौन से परक्रम के द्वारा सूर्य की किरणों में कपड़े जो है वो सूखते हैं अगर हम किसी बात करें किसी गीले कपड़े के, तो की तो सूर्य की किरणों में अगर वो सूख रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे तो बच्चों ध्यान रखना वो प्रोसेस क्या होता है ई वेपोरेशन होता है क्या होता है ई वेपोरेशन यानी यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ट्वेंटी सेवंथ नंबर क्वेश्चन अ चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड बाय द कंडीशन इज कॉल्ड यानी एक ऐसा यहाँ पे आप लोगों को चेंज बताना है प्रोसेस बताना है जो क्या हो जाए किसी भी कंडीशन से चेंज हो जाए तो अगर कभी भी चेंज होने वाला प्रोसेस है तो बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस क्या बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ट्वेंटी एट नंबर क्वेश्चन रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन अगर हम बात करें तो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है यानी आयरन पे अगर जंग लगता है रस्ट हो जाती है वहां पे रस्टिंग हो जाती है तो वो एक स्लो प्रोसेस होता है और अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो देखिए स्लो चेंज है सही है फास्ट चेंज नहीं कभी भी ये फास्ट चेंज नहीं होता है अगला देखिए अनडिजायरेबल चेंज तो हम जानते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन अनडिजायरेबल चेंज होती है बच्चों क्या होती है अनडिजायरेबल चेंज यानी अवांछित होती है हम नहीं चाहते इसको कि ये हो चेंज लेकिन फिर भी ये चेंज हो जाता है तो इसे हम देखते हैं तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक किस टाइप का चेंज है स्लो चेंज भी है और अनडिजायरेबल भी है यानी दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है तो क्या हो जाएगा आंसर बोथ वन एंड थ्री आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे देखिए अगला क्वेश्चन 20 नाइंथ नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड यानी हमें देखना है उस प्रोसेस का नाम जिससे क्या होए रेशे से धागा बने क्या बने बच्चों रेशे से धागा तो हम जानते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न मेकिंग यार्न फ्रॉम फ्रॉम फाइबर बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं स्पिनिंग एनसीआर में बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है बच्चों इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्पिनिंग बोलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों आंसर आप लोगों को ध्यान रखना क्या हो जाएगा इसका स्पिनिंग आंसर हो जाएगा क्लियरली एन में लिखा हुआ है तो हम किस पे टिक करेंगे स्पिनिंग पे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी नंबर क्वेश्चन कॉटन रोल्स उसके बाद में आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे एक्स प्रोसेस देन आप लोगों को वाइबर दिया हुआ वा है सॉरी फाइबर दिया हुआ है देन यहाँ पे क्या लिखा हुआ वा है वाई और इससे क्या फॉर्म हो रहा है यान तो आप लोगों को बताना है कि इस एक्स और वाई की जगह क्या आएगा एक्स और वाई की जगह बच्चों क्या आएगा तो देखिए क्या होता है अगर हम बात करें कॉटन रोल तो बच्चों अगर हमारे पास कॉटन रोल है और कॉटन रोल से फाइबर अगर हम फॉर्म कर रहे हैं तो बच्चों ध्यान रखना ये प्रोसेस जो होती है हमेशा गेनिंग होती है कौन सी होती है बच्चों ये प्रोसेस होती है गेनिंग इसे हम क्या बोलेंगे गेनिंग फिर हम आगे बात करते हैं कि फाइबर से आप लोगों को यान फॉर्म करना है तो ये वाली जो प्रोसेस होती है ना बच्चों इसे हम बोलते हैं स्पिनिंग क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम स्पिनिंग तो यहाँ पे देखिए एक्स तो क्या हो जाएगा बच्चों गेनिंग और वाई क्या हो जाएगा बच्चों स्पिनिंग तो जहां पे भी गेनिंग और स्पिनिंग दोनों साथ है वो क्या हो जाएगा आपका आंसर यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल एनसीआर की लाइन है एन से ही हमने ये वाला जो देख सकते हैं आप लोग ये वाला जो कॉटन रोल फाइबर और यान वाला क्वेश्चन है ये हमने लिया है बिल्कुल आप लोगों के एन में इस प्रकार का एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है और यहाँ पे आपकी एनसीआर में लिखा हुआ है गेनिंग और यहाँ लिखा हुआ है स्पिनिंग तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं थर्टी वन नंबर क्वेश्चन सिंथेटिक फाइबर इज यानी आप लोगों को देखना है कि सिंथेटिक फाइबर इनमें से कौन सा है देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है पोलियस्टर हाँ जी सिंथेटिक फाइबर होता है हाँ जी ये भी क्या होता है सिंथेटिक फाइबर एक्रेलिक भी क्या होता है बच्चों सिंथेटिक फाइबर यानी ये तो सारे के सारे ही क्या हो गए सिंथेटिक फाइबर तो आंसर क्या चला जाएगा ऑल ऑफ दीच फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों थर्टी टू नंबर क्वेश्चन नेचुरल फाइबर इज देखिए आप लोगों को बताना है नेचुरल फाइबर कौन सा है देखिए कॉटन नेचुरल फाइबर होता है क्या जी होता है वुल नेचुरल फाइबर होता है क्या जी होता है सिल्क नेचुरल फाइबर होता है क्या जी होता है यानी सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं नेचुरल फाइबर के यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा देखिए थर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन यार्न यार्न से आप लोगों को फैब्रिक बनाना है ठीक है और आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स प्रोसेस क्या हो सकती है देखिए यान, यान से क्या बन रहा है फैब्रिक देखिए जब भी हम यार्न से बच्चों यार्न से फैब्रिक बनाते हैं यान से क्या बनाते हैं फैब्रिक तो बच्चों इसमें दो प्रोसेस यूज होती है एक प्रोसेस तो होती है बच्चों नेटिंग एक प्रोसेस तो क्या होती है नेटिंग और एक प्रोसेस होती है वीविंग एक प्रोसेस क्या होती है वीविंग

क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर से थर्टी तो फोर वाला जो क्वेश्चन है इसको हम सबसे पहले रीड करेंगे इसका आंसर पर देखेंगे सोल्यूशन पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या आया है टेस्ट ट्यूब एंड फ्यू आयोडीन सोल्यूशन वर एडेड टू इट इट वॉज ऑब्जर्व दैट दूशन टर्न इन टू ब्लू ब्लैक कलर Okay, तो यहाँ पर देखिए आयोडीन सॉल्यूशन को यूज किया गया है आप जानते हैं आयोडीन सॉल्यूशन जो है हम यहाँ पर स्टार्च वगैरह का जब टेस्ट करते हैं तो आयोडीन सॉल्यूशन को हम यहाँ यूज करते हैं जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन है वो ब्लू ब्लैक कलर में यहाँ जो है कन्वर्ट हो जाता है आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें जब आप डालते हैं तो इस, इसका रंग जो है नीला काला रंग आपको यहाँ पर दिखाई देता है तो एक ये, ये टेस्ट को शो किया गया है और ये पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा यानी इनमें से कौन से का आप टेस्ट करते हो आडिन सोल्यूशन के साथ तो ये कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये टेस्ट आपका यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स को टेस्ट करने के लिए ऐसा प्रोसीजर हम यहाँ पर जो है फॉलो करते हैं जिसमें आयोडीन सोल्यूशन डालने पर जो सोल्यूशन है वो आपका ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव. तो ये एक जनरली एक काफी इजी क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है जहाँ मूंग के लिए पूछा गया है कि मूंग किसका गुड सोर्स माना जाएगा तो मूंग जो स्प्राउट्स वगैरह में आप खाते हैं जनरल डेली लाइफ में आप यूज करते हैं और आप जानते हैं कि मूंग जो है ये प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है यानी हेल्दी डाइट में मूंग को स्प्राउट्स की फॉर्म में यहाँ पर यूज किया जाता है फॉर दी प्रोटीन तो प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स यहाँ पर है इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स यहाँ पर एक डिजीज का नाम दिया हुआ है आपको रिकेट्स रिकेट्स डिजीज का नाम दिया हुआ है आपको और ये पूछा गया है कि किसकी कमी से रिकेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलती है तो आपको ये पता है कि बोन्स जो है बोन्स डेंसिटी यहाँ पर कम हो जाएगी विटामिन डी विटामिन डी जो है उसकी कमी की वजह से ये डिजीज हमें होती है ठीक है तो ये जनरली आप टेबुलर फॉर्म में इनको पढ़ते हो ऑप्शन नंबर थ्री जो है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है ओके इसके बाद आपका सेकेंड जो अगला क्वेश्चन है ग्लैंड इन द नेक यहाँ पर देखिए सिम्टम्स बताए हुए हैं कुछ कुछ सिम्टम्स यहाँ बताए हुए हैं डिजीज आपको पहचाननी है ग्लैंड इन द नेक अपियर सोलन एंड मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन यहाँ पर कुछ सिम्टम दिए हुए हैं कि गली की गले की ग्रंथियों का फूल जाना तो यहीं से आपका जवाब मिल जाएगा बच्चों में मानसिक विकलांगता तो ये जो घेंगा है गोयटर गले की ग्रंथी का जो है फूल जाना जो गोयटर है गोयटर डिजीज आयोडीन की कमी से जो डिजीज आप आप देखते हैं जो ये कॉज होती है ड्यू टू तो दी लैक ऑफ आयोडीन जहाँ पर

वुड आप इससे निकालते हैं कास्ट जहां आप इससे निकालते हैं तो यहां पर झाड़ियां कोई ऑप्शन नहीं हो सकता हर्ब्स शाख कोई ऑप्शन नहीं हो सकता जो पेड़ है बड़े पेड़ ट्रीज जो हैं ट्रीज में या वृक्ष में आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहां तना जो है ये मोटा होगा सख्त होगा और कास्ट ही होगा यानी वूडी स्टेम यहां पर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन की अगर हम बात करें द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर तो फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स आप देखते हैं यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछा है तो आप जानते हैं कि जो स्टेमन वाला पार्ट है बायोलो जहाँ एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है ये स्टेमन वाला पार्ट ये मेल पार्ट होता है और ये स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी ये वाले जो पार्ट्स हैं ये फीमेल पार्ट है, होते हैं तो यहाँ पर स्टेमन और पिस्टल मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं तो आपके पास ऑप्शन स्टेमन दिया गया है पूछा गया था आपसे मेल वाला ठीक है तो नर वाला भाग पूछा गया है और पुंकेसर आपको दिया गया है तो यहाँ थर्ड जो ऑप्शन होगा ये थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसके अलावा बाह्य दल पेटल पिस्टल ये फीमेल वाला यहां पर हो जाएगा तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया है इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्टी की हम बात करते हैं यहां पर आपको दिया गया था फाइंड आउट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट मैच आपको फॉलो जो है ढूंढ लेना है यहां पर कि सही मिलान यहां पर किसका दिया गया है तो आप देखिए जड़ें रूट्स फॉर्मेशन ऑफ फूड नहीं करती हैं रूट्स फूड का फॉर्मेशन नहीं करती हैं इसके बाद थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ था कि फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट ये बिल्कुल सही यहाँ पर जो चीज़ है ये दी गई थी लीव्स ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ये नहीं करती हैं ये वाला गलत था सेकंड ऑप्शन ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आंसर नहीं आएगा क्योंकि पहले से ही दो ऑप्शन हम गलत कर चुके हैं तो तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ आप देखिए पुष्प जो है ये हम जानते हैं कि पादप का प्रजनन भाग पुष्प भी होता है जहां नर और मादा जनन अंग जो है बढ़ते हैं, 41, तो 41 में दिया गया है प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट स्टेम कैसी है प्लांट्स में इनमें वीक है ये सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं ठीक है और अगली बात ये जमीन पर फैल जाते हैं स्प्रेड ऑन ग्राउंड जो जमीन पर फैल जाते हैं क्योंकि इनके तने बहुत कमजोर होते हैं ये सीधे खड़े नहीं रह सकते और ज़मीन पर फैल जाते हैं ऐसे प्लांट्स जो हैं ये होते हैं हमारे क्रीपर्स ओके विसर्पी लताएं जो लताएं होती हैं वो जमीन पर फैल जाती हैं क्योंकि उनकी जो स्टेम्स हैं जो उनके तने हैं काफ़ी कमजोर हैं और सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे क्लाइंबर्स जो हैं ये क्लाइंब कर जाएंगे किसी का सहारा लेकर क्लाइंब कर जाएंगे लेकिन क्रीपर्स जो हैं ये जमीन पर ही फैल जाते हैं तो सेकंड ऑप्शन जो होगा आपका विसर्पी है। ये बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाता है ओके ऑप्शन नंबर टू इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन है, है, है यानी कपाल सिर और यहाँ पर आ, कपाल सिर और ऊपरी जबड़े के बीच में तो सिर और जबड़े के बीच में आप देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए हेड आपको ध्यान देना है हेड पर और अपर जॉ पर तो आप देख सकते हैं कि अपर जॉ जो, जो आपका है ये मूवेबल नहीं होता है आपका केवल लोअर जो ही मूवेबल होता है तो यहाँ पर अपर जो और हेड के बीच में जो जॉइंट जो जो है वो फिक्स जॉइंट है यानी किसी भी तरह का कोई मूवमेंट वो अलाउ नहीं करता है तो आपका ऑप्शन यहाँ पर फिक्स जॉइंट जो फर्स्ट है यही आपका करेक्ट हो जाएगा अचल संधि जहाँ पर कोई भी गति आप नहीं दिखा सकते हो ये कोई भी मूवमेंट शो नहीं करता है तो पहला ही ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाता है इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री तो विंग्स विंग्स ऑफ बर्ड्स यहाँ पक्षियों के पंखों की बात की जा रही है आर फोन बाई द मोडिफिकेशन ऑफ किसके रूपांतरण रूप है ये पक्षियों के जो पंख हैं ये किसके रूपांतरण द्वारा बनते हैं तो आप जानते हैं जो पिछले उनके पैर हैं पिछले जो पाद हैं वो तो कुछ भी कैप्चर करने के लिए आप देखते हो कि काम में आ जाते हैं लेकिन जो अग्रपाद है आगे वाले जो उनके पैर हैं फोर लिम्स जो हैं वो यहां पर मॉडिफाई होकर किसका फॉर्म ले लेते हैं विंग्स का फॉर्म वो ले, ले लेते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका फोर्टी थर्ड क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर यहां दिया हुआ है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको निकालना है यहाँ से इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट गलत है गलत तथ्य को यहाँ पर आपको पहचान लेना है तो हम स्टेटमेंट देखते हैं एक एक करके आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल इज नॉन एज शेल सही है शेल कहा जाता है एंड इज नॉट मेडअप ऑफ बोन्स वो बोन्स का नहीं बना होता है बिल्कुल सही यह स्टेटमेंट है इसको हम चूज नहीं करेंगे जॉइंट्स ऑफ द नी आर हिंज जॉइंट्स नी घुटने पर जो जॉइंट है वो कब्जा संधि है वो हिंज जॉइंट है ये बिल्कुल सही है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया यहाँ पर डज नॉट डेव बोन्स अर्थवॉम कैचो में बोन्स नहीं होती हड्डियाँ नहीं होती अस्थियां नहीं होती हैं सही ऑप्शन है यहाँ पर कोई भी गलती यहां पर नहीं है तो यहां पर फोर्थ देखिए स्नेल्स मूव्स विद द हेल्प ऑफ ब्रिसल्स ये वाला गलत एक ऑप्शन यहां पर आ गया है तो क्योंकि स्नेल घोंगा जो है ये शूक की सहायता से गति नहीं करता है ब्रिसल्स की हेल्प से वो मूवमेंट नहीं शो करता है तो आपको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना था गलत तथ्य वो आपका चौथा हो जाता है तो फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन के, के बीच होगा यानी वाटर का एवेपोरेशन होगा वाटर वापस कंडेंस होगा रेन की फॉर्म में वापस आएगा तो ये जो सर्कुलर मूवमेंट वाटर का होता है ओशियन और लैंड के बीच में उसका नाम पूछा गया है कि परिसंचरण ये जो होगा ये क्या कहलाता है जल का और

कौन सी पाई जाएगी कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाएगी तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर है, 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 में, में है इसलिए सेकंड ऑप्शन जो आपका यहां पर होगा नाइट्रोजन इट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स नाउ मूविंग अलोंग इन क्वेश्चन नंबर सेवन यहां आप देखिए इन कॉकरोचेस द बॉडी पार्ट्स विच हेल्प्स इन मूवमेंट कॉकरोच में कौन से बॉडी पार्ट यहाँ पर मूवमेंट में हेल्प करते हैं तो आप जानते हैं कि कॉकरोच में यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पैर होंगे ये कितने होंगे सिक्स वहां लेग्स होते हैं तीन जोड़ी यहाँ पर पैर आपको मिलेंगे तो तीन जोड़ी पैरों वाला आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो पहला ही ऑप्शन जो है आपको कि थ्री पेयर ऑफ लेग्स एंड टू पेयर ऑफ विंग्स यानी यहाँ पर जो लेग्स का नंबर हो गया लेग्स का नंबर थ्री पेयर यानी सिक्स हो गया और जो विंग्स वाला जो ऑप्शन हो गया विंग्स यहाँ पर टू पेयर यानी विंग्स कितने हो गए यहाँ पर फोर हो गए तो ये वाला जो ऑप्शन हो गया आपका ये बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट तीन जोड़ी पाद एवं दो जोड़ी पंख ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इनकी सहायता से जो तिलचट्टा है उसमें गति आपको देखने को मिल जाती है इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन अगला 48 नंबर का यहाँ देखिए विच गैस हेल्प्स इन बर्निंग प्रोसेस बर्निंग जलने के लिए जलने की जो प्रक्रिया है आग लगने की जो प्रक्रिया है बर्निंग जो प्रोसेस है उसमें कौन सी गैस काम आती है तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जो बर्निंग प्रोसेस है ये कंडक्ट करवाया जा सकता है इन लैक ऑफ ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन का लैक है तो यहां पर बर्निंग प्रोसेजर आपको देखने को नहीं मिलेगी ठीक है आग यहाँ कंटिन्यू नहीं जल पाएगी अगर वहां पर किसकी कमी है ऑक्सीजन की वहां पर अगर कमी है तो ऑक्सीजन गैस का होना जरूरी है

नियंत्रित और नियमित करता है जल बिल्कुल सही बात ही हो गई है करेक्ट स्टेटमेंट है इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारे शरीर से बाहर निकालने में ये हेल्प करता है ये भी ऑप्शन इसका सही हो गया तीसरा है इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स ये न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्बन नहीं करता है नहीं ये यहाँ गलत हो जाएगा यह भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं करता है ये भोजन से जो पोषक तत्व है उनका अवशोषण नहीं करता है तो चौथा ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा और यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है थर्ड कि थर्ड जो इसका ऑप्शन है वो जल हेतु सही नहीं है वो जल हेतु गलत है तो इसका जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री ओके इसके बाद हम बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि विच वन ऑफ दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ लीफ लीफ में इनमें से कौन सा भाग पर्ण में इनमें से कौन सा भाग नहीं पाया जाता है तो आप देखते हैं कि लीफ की अगर आप बात करें तो इसमें कौन कौन से भाग आपको दिखाई देंगे एक लीफ की हम बात करें तो यहाँ आप देखिए ये इसका पेटियोल हो गया यानी पर्णवृंथ हो गया इसके बाद एक यहाँ पर आपको मध्य शिरा नजर आ जाएगी ये मध्य शिरा मिड रिप यहाँ पर दिया गया है और ये कुछ वेन्स और वेनलेट्स आपको लीफ में ऐसी नजर आ जाती हैं तो देखिए कौन कौन से पार्ट यहाँ इंक्लूड कर लिए गए हैं मिड रिप आपको दिखाई दे रही है ये रही मिड रिप पेटियोल पेटियोल ये रहा यहाँ है वेन वेन्स पर ये प्रेजेंट है कौन सा पार्ट नोड नोड वाला पार्ट लीफ पर प्रेजेंट नहीं होता है पर्व जो है पर्व और पर्व संधिया नोड्स और इंटरनोड्स ये आपको लीफ पर नहीं मिलती हैं इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये यह यहाँ पर आपको चूज कर लेना है ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके सो दिस वॉज द सोल्यूशन फॉर बायोलॉजी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट थैंक यू

टोटल कितना हो जाएगा 21 मीटर डिवाइड बाय 1 मीटर 5 सेंटीमीटर अब ये है मीटर में और ये है सेंटीमीटर में तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो ये हो जाएगा कितना 21 मीटर है सेंटीमीटर में जाओगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2100 और ये एक मीटर यानी 100 और प्लस पांच कितने हो गए एक सौ पांच और एक सौ पांच से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा ट्वेंटी तो कितने ट्राउजर सिले जा सकते हैं ट्वेंटी तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा टू फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी टू रोमन संख्या में निन्यानवे में तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट हो गया टेन और ये हंड्रेड हंड्रेड में से टेन जाएगा नाइनटी और ये हो गया नाइन तो ये हो जाता है नाइनटी नाइन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री वन बिलियन इक्वल्स टू कितने लाख तो वन बिलियन को बताना है लाख में तो एक बिलियन है ट मिलियन मिलियन और ये हो गया हंड्रेड मिलियन और ये हो गया वन बिलियन अब इसमें पूछा है कितने लाख हैं तो देखो लाख बनाने के लिए आपके पास में डिजिट्स कहां से है? लेके कहां तक आ जाएगी ये अब कितने लाख हो गए अपने पास में ये हो गई लाख में कितने जीरो होते हैं पांच तो पांच जीरो अपन ने इसको दे दिए ठीक और कितने बच गए अपने पास में दस हजार

यहाँ पर यह कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको निम्न में से कौन सी चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वही पूछी गई है ठीक है तो इसका आंसर क्या चला जाएगा नाइन 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 और जीरो और दो को यूज करके वे बनाओगे तो बाईसो बनेगा जो कि अपने पास में ऑप्शन में नहीं है इसलिए यह सवाल किसके लिए जाता है चार अंकों की बड़ी संख्या के लिए तो चार अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होती है नौ हजार नौ सौ निन्यानवे ठीक तो ऑप्शन नंबर इस फोर इसका सही हो जाएगा फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइंगुलर नंबर तो थ्री है तो थ्री को आप ट्राइंगल में अरेंज कर सकते हो तो ये बन गया आपका ट्राइंगल फिर है सिक्स तो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स इन तीनों को मिलाते हुए एक ट्राइंगल बना लोगे फिर जाएगा टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये टेन तो जब इसको मिलाओगे तो एक डॉट क्या रह जाएगा ट्राइंगल के अंदर रह जाएगा जिसका कोई यूज़ नहीं हुआ फिर रहा नाइन तो नाइन का देखो अगर ये नहीं होता

बिटवीन एंड ऑफ अ नंबर। कोई दोनों के बीच का डिफरेंस अब देखो सक्सेजर है और प्री डिसीजर है तो कितना हो गया एक सौ एक सौ एक में से प्री डिसीजर को माइनस करोगी निन्यानवे को माइनस करोगी कितना जाएगा? दो तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 58 है द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 70 50 एंड 210 यानी कि इसका एचसीएफ निकालना है तो 70 50 और 210 70 70 को आप क्या लिख लोगे 10 multiply by 7 लिख सकते हो और 50 का क्या आ जाएगा 10 multiply by 5 आ जाएगा और 210 का कितना आ जाएगा 10 multiply, 7 multiply 3 तो देखो सभी में कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है 10 प्राइम फैक्टराइजेशन में भी लिखना चाहो तो टेन को आप क्या लिख लोगे टू मल्टीप्लाई फाइव तो सभी में टू और फाइव कॉमन आएगा तो फाइव और टू का मल्टीपल कितना हो जाएगा टेन यानी कि टेन इसका एच सी हुआ तो हाईएस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन हो जाएगा टेन नेक्स्ट है हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर देयर इन अडिलेटर एक कॉर्डिलेटर है यानी कि चार साइड से मिलकर बनाई हुई शेप अब इसमें पूछा है एडजेसेंट साइड तो ये देखो ये पहली साइड इसके एडजेसेंट है तो एक पेयर तो ये हो गया यही साइड इसके भी एडजेसेंट है तो दूसरा पेड़ ये हो गया ये वाली साइड इसके एडजेसेंट है तो तीसरा पेड़ ये हो गया और ये वाली साइड इसके एडजेसेंट है तो चौथा पेर ये हो गया तो टोटल कितने पेयर होते अपने पास चार नेक्स्ट है गोले में शीर्षों की संख्या नंबर ऑफ वर्टिस है तो स्पेयर में शीर्ष वहां पर होते ही नहीं है तो यहां पर आंसर सीधा सीधा क्या चला जाएगा जीरो फिर है द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ द शेप ये एक शेप आपको दी हुई है इसमें नंबर ऑफ फेसेस बतानी है तो देखो पहली शेप ये हो गई दूसरी ये हो गई तीसरी और एक इसके पीछे वाली है चौथी और एक शेप बॉटम तो टोटल यहां पर कितनी फेसेस है फाइव फेसेस नेक्स्ट है द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से क्या होता है बड़ा होता है तो यहां पर ऑप्शन नंबर थ्री बता रहा है कि ग्रेटर देन 180 डिग्री तो ऑप्शन नंबर थ्री क्या हो जाएगा करेक्ट नेक्स्ट है सिक्सटी थ्री टू माइनस माइनस वन माइनस माइनस टू इक्वल टू तो ये हो गया दो माइनस माइनस प्लस टू तो टू प्लस ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज माइनस वन तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर माइनस वन होता है ठीक है क्योंकि लास्ट जो शुरू में देखते हैं जीरो के लेफ्ट साइड में तो माइनस वन सबसे बड़ा होता है ग्रेटेस्ट में ठीक है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका अभी तक कंसिडरेबल है बाकी दो तीन चार देखो माइनस टेन इज द राइट ऑफ माइनस एट तो माइनस एट के राइट साइड में बड़े नंबर होंगे और माइनस टेन क्या इससे छोटा माइनस फिफ्टी इज टू द लेफ्ट ऑफ माइनस हंड्रेड तो माइनस हंड्रेड के लेफ्ट में और छोटे नंबर चले जाएंगे माइनस फिफ्टी बड़ा है तो ये इसके राइट साइड में होना चाहिए था तो ये दोनों गलत हैं इज़ लार्जर देन माइनस टेन तो माइनस इलेवन माइनस टेन से बड़ा नहीं है माइनस टेन बड़ा है ठीक है तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं ऑप्शन नंबर जीरो 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 हो जाएगा लेकिन यहां पर डिवाइड बाई जीरो दिया हुआ है जो कि कौन सी कंडीशन होती है अनडिफाइंड की कंडीशन होती है ठीक है तो आंसर क्या चला जाएगा अनडिफाइंड फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन

एक डे में तो एक डे में होता है ट्वेंटी फोर आवर्स तो करोगे से थ्री फाइव जा फिफ्टीन और तो तो mm. mm सेंटीमीटर में चेंज करवाना चाह रहा है तो एम mm एम और सेंटीमीटर में कितने का फर्क होता है टेन का डिफरेंस होता है तो यहां पर आप क्या कर दोगे टेन से डिवाइड कर दोगे तो टेन से डिवाइड करोगे तो कितना पॉइंट वन ये हो जाएगा इलेवन पॉइंट वन सेंटीमीटर नेक्स्ट है 69 2.88 इज इक्वल्स टू तो 2.88 है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 2.88 को क्या कह सकते हो 288 अपॉन 100 अब यहां पर देखो सब बड़े हैं तो 288 अपॉन 1000 तो नहीं हो सकता क्योंकि 100 आया है तो ये तो वैसे ही तो करत हो गया बाकी इससे छोटे फ्रैक्शन है यानी कि ये किसी एक नंबर से डिवाइड हुआ होगा तो इसको डिवाइड करके चेक करो देखो 4 से इसको डिवाइड करो चार से ये डिवाइड चला जाएगा चार सात तो अट्ठाईस चार दूनी आठ और ये पच्चीस बार चला जाएगा अब आगे डिवाइड नहीं होगा एस इसका चार था तो कितना आ गया बेहतर बटे पच्चीस तो इसका ऑप्शन कौन सा चला जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री फिर है सेवनटी द एरिया ऑफ द फिगर इसका एरिया निकालना है तो देखो ऊपर वाला और नीचे वाला इसको आप तोड़ोगे तो यहां से इसको मिलाओगे साइड को और इस साइड को भी मिलाओगे तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है सेम रेक्टेंगल नीचे बन रहा है तो एक का निकाल लेंगे तो टू से मल्टीप्लाई कर दो इसमें देखो लेंथ हो गई थ्री मल्टीप्लाई करोगे इसकी विड्थ से वो हो गया वन अपॉन टू सेम इसका है तो दोनों का ऐड करना है तो मल्टीप्लाई बाई टू कर दो तो इसका तो कितना हो गया थ्री स्क्वायर यूनिट इन दोनों का मिला के अब फिर बीच में बच गया ये वाली शेप ये हो गया टू और ये डायमेंशन हो गई वन की क्योंकि वन इधर है वन इधर है कंप्लीट थ्री है तो ये कितना बच गया वन का बच गया टू मल्टीप्लाई वन इसका कौन हो जाएगा टू मल्टीप्लाई वन टू टू तो टोटल कितना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज सिक्सटीन सेंटीमीटर तो पेरीमीटर हो तो तो क्या होता है टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रिथ कितना दे दिया सिक्सटीन सेंटीमीटर फिर कहता है में में और breadth में यहां पर रिलेशन है क्या कहता है कि लेंथ टू मोर देन टू मोर देन का मतलब प्लस टू है किससे थ्राइस ऑफ इट्स ब्रिथ यानी कि ब्रिथ का तीन गुने से दो ज्यादा है तो ये लेंथ और ब्रिथ में रिलेशन दिया हुआ है ये यहां पर रख दो तो ये हो गया टू मल्टीप्लाई लेंथ कितनी हो गई थ्री बी प्लस टू और ब्रिथ की जगह बी रहने दो इक्वल्स टू से सिक्सटीन डिवाइड हो जाएगा एट टाइम तो ये थ्री और वन कितना हो गया फोर बी प्लस और फोर बी इक्व टू कितना हो जाएगा आठ में से दो चले जाएंगे कितने बच गए छ और बी बराबर कितना हो जाएगा छ बटे चार तीन दो से डिवाइड कर दोगे दो तीन या छह दो चार तीन बटे दो और डेसिमल में कहें तो ये कितना हो जाएगा एक पॉइंट पांच तो ये तो होगी उसकी वृत्त सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर में चलेगा ठीक है तो ये हो गया इसका सेंटीमीटर तो ब्रिथ आ गई एक पॉइंट पांच सेंटीमीटर लेंथ निकालनी है तो ये ब्रिथ का तीन गुना तो एक पॉइंट पांच का तीन गुना करेंगे तो कितना आएगा चार पॉइंट पांच और प्लस कितना कर दोगे दो तो ये हो जाएगा छह पॉइंट पांच सेंटीमीटर तो ये आ गई इसकी लेंथ अब इसका क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा तो क्षेत्रफल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रिथ तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रिथ तो लेंथ कितनी हो गई अपने पास में छह और वृत्त कितनी हो गई अपने पास एक पॉइंट पांच दोनों को मल्टीप्लाई करोगे नौ पॉइंट सात पांच सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो नौ पॉइंट सात पांच सेंटीमीटर स्क्वायर और यहां पर ये यह सेंटीमीटर है तो यहां पर देखो मीटर में है ना ये सेंटीमीटर में है तो ये ऑप्शन को आपको कंसीडर करना है इंग्लिश मीडियम का नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 मिस्टर ए वेंट टू अ पार्क 20 मीटर लॉन्ग एंड 3.5 मीटर वाइड तो लेंथ उसकी हो गई 20 मीटर और ब्रीथ हो गई उसकी 3.5 मीटर ही took फाइव राउंड ऑफ इट यानी कि इसके पांच चक्कर लिए तो एक चक्कर का मतलब इसका पेरीमीटर पेरीमीटर क्या होता है टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ पांच चक्कर लिए यानी कि पांच बार इसका मल्टीप्लिकेशन होगा ठीक है द डिस्टेंस कवर्ड बाई हिम तो ये इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा फाइव टू ज टेन मल्टीप्लाई लेंथ हो गई आपके पास में बीस प्लस तीन पॉइंट पाँच ये टोटल हो जाता है कितना तेईस पॉइंट पाँच और ये हो गया दस तो दस से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा दो सौ पैंतीस मीटर अब दो सौ पैंतीस मीटर अपने पास में यहाँ पर है नहीं अब दो सौ पैंतीस मीटर नहीं है तो यहाँ पर देखो सेंटीमीटर में वैल्यू दी हुई है तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो इसको सौ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 235 और ये डबल जीरो यानी कि तेईस हजार पांच सेंटीमीटर तो इसका आंसर सेंटीमीटर में देना है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री दो सौ तेईस हजार पांच सेंटीमीटर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वाय टू मेक द पैटर्न सी तो मैच स्टिक से पैटर्न बनाओगे सी के लिए तो कम से कम यहां पर आपको कितने रिक्वायर्ड हैं तीन मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होगी और इसी तरीके से एन टाइम्स ऑफ सी अगर अब लिखना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो कि एन से तो आंसर आज, क्या चला जाएगा थ्री एन तो ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंटी फोर द एक्सप्रेशन फॉर टू टाइम्स ऑफ थ्री यानी कि टू टाइम करना है थ्री का तो थ्री का हो गया टू टाइम ये लो सब माइनस करना है किसमें से थ्राइस ऑफ माइनस माइनस तो पी का क्या करना है तीन गुना करना है अब इसी से मिलता जुलता देखो क्या है माइनस का ये हो गया थ्री पी और ये हो गया माइनस का थ्री मल्टीप्लाई बाई टू तो देखो पहले में थ्री पी प्लस सिक्स हो रहा है तो ये गलत हो गया दूसरे में थ्री पी माइनस सिक्स हो रहा है तो फर्स्ट टर्म भी अपने पास में नेगेटिव है तो ये भी गलत हो गया चौथे में देखो ये इसको सोल्व करोगे तो माइनस का थ्री पी माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा सिक्स तो यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव टर्म है तो ये भी गलत हो जाएगा तो ऑप्शन कौन सा जाएगा दूसरा कैसे माइनस का थ्री पी अपने को यहां पर माइनस चाहिए था तो माइनस उठा के माइनस थ्री के साथ में लगा दिया तो ऑप्शन कौन सा चला जाएगा इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का थ्री पी और ये माइनस का थ्री टू जा सिक्स तो यहां से भी क्या आंसर आना था माइनस का थ्री पी और माइनस का सिक्स तो ऑप्शन कौन सा चला जाएगा ऑप्शन नंबर टू फिर है नेक्स्ट सेवेंटी फाइव द फेयर फॉर फाइव टिकट एक प्लेस ए से बी तक जाने में पांच टिकट की जो कॉस्ट है जो रुपया है किराया है वो कितना है साढ़े सत्रह रुपए सत्रह पॉइंट पचास तो एक टिकट का कितना हो जाएगा सत्रह पॉइंट पचास बटे पांच कितने टिकट का पूछा है तीन का तो मल्टीप्लाई बाई थ्री करना है तो पहले फाइव से इसको डिवाइड कर देंगे फाइव थ्री जै फिफ्टीन पॉइंट थ्री पॉइंट फाइव जीरो मल्टीप्लाई बाई थ्री जीरो साढ़े दस रुपए दस रुपए पचास पैसे तो ऑप्शन चला जाएगा इसका थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंटी सिक्स एंड एरोप्लेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ फाइव थाउजेंड किलोमीटर इन फाइव आवर हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन टू आवर फोर्टी फाइव मिनट अब देखो टू आवर फोर्टी फाइव मिनट है तो इनको कंप्लीट को अपन मिनट में चेंज करेंगे तो फाइव आवर्स मीन्स एक आवर में होता है सिक्सटी तो फाइव आवर्स में कितना हो जाएगा थ्री हंड्रेड मिनट तो थ्री हंड्रेड मिनट में पाँच हजार किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर करता है और टू आवर फोर्टी फाइव मिनट का मतलब कितना हो गया टू आवर का मतलब वन ट्वेंटी मिनट और फिफ्टी फोर मिनट और है तो टोटल कितना हो गया अपने पास में वन सिक्सटी फाइव मिनट में डिस्टेंस पूछ रहा है तो एक में हो जाएगा फाइव थाउजेंड डिवाइड बाई थ्री हंड्रेड और वन सिक्सटी फाइव का पूछ रहा है तो वन सिक्सटी फाइव से मल्टीप्लाई कर दो दो जीरो से दो जीरो चली गई और तीन से ये चला जाएगा तीन पंच पंद्रह और तीन पंच पंद्रह कितना हो गया पचास गुणा पचपन मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा सत्ताईस पचास किलोमीटर तो आंसर क्या हो जाएगा 2750 पचास किलोमीटर ऑप्शन नंबर टू फिर नेक्स्ट है सेवेंटी सेवन सेवन्त। रिक्वायर्स फाइव लीटर ऑफ पेट्रोल टू कवर 90 किलोमीटर हाउ मेनी liters? अब देखो 90 लीटर आपको पूछा है तो 90 किलोमीटर जाने में इसको लगता है फाइव लीटर तो एक किलोमीटर के लिए कितना लगेगा फाइव अपॉन नाइनटी लीटर अब कितने का पूछा है ट्वेंटी तो में में कन्वर्ट कर लो ये हो जाएगा पैंतालीस बटे दो तो इसके लिए पूछा है तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे फोर्टी फाइव अपॉन टू से फोर्टी फाइव से नाइनटी चला जाएगा टू टाइम कितना रहेगा फाइव अपॉन फोर तो फाइव को डिवाइड कर लो तो फाइव को डिवाइड करोगे फोर से तो फोर वन जा फोर कितना बच गया एक और ये पॉइंट लग जाएगा तो एट और ये टू और यहाँ पर चार पंजो कितना आ गया एक पच्चीस लीटर पेट्रोल उसको लगेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा असत्य है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंगस ये देखो प्रपोर्शन का क्वेश्चन है तो प्रपोर्शन में देखो ट्वेंटी फाइव ग्राम थर्टी ग्राम फोर्टी के जी और फोर्टी एट के जी तो बीच वाली दोनों का मल्टीप्लिकेशन लास्ट वाली एक्सट्रीम वैल्यूज के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए तो यहाँ पर देखो 30 को 40 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1200 और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करोगे तो 25 48 करोगे तो कितना आएगा ये भी 1200 आएगा 100 और 20 120 तो ये भी 1200 आएगा तो पहला सही है ठीक है दूसरा देखो आंसर सही नहीं है मतलब कि ये प्रोपोर्शन में है है अपने को पूछा फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है ठीक है थीके? तो पहला ट्रू है अब यहां पर है नाइन को ट्वेंटी फोर से मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई बाई नाइन दो सौ सोलह और आठ को मल्टीप्लाई करोगे सत्ताईस से कितना हो जाएगा सातों आठ छप्पन पांच आठ उन्नीस सोलह सोलह पांच इक्कीस दो सौ सोलह तो इनकी भी वैल्यूज बराबर हो रही है तो ऑप्शन नंबर टू भी ट्रू है फिर देखो थर्टी का फोर्टी को मल्टीप्लाई करोगे सिक्स से कितना आएगा दो सौ चालीस और बच गया थर्टी टू को मल्टीप्लाई करोगे बारह से तो यहां पर वैल्यूज अलग अलग हो रही है यानी कि फोर्स कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवनटी नाइन बीच ऑफ दॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन की भाई निम्न में से कौन प्रोपोर्शन में है तो सेम वही कंसेप्ट लगेगा बीच वाले दोनों का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम वैल्यूज के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए तो यहां पर देखो ये भी सिक्सटी हो गया और ये भी सिक्सटी हो गया ठीक है तो ये प्रोपोर्शन में है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा बाकी नहीं है इलेवन थ्री या थर्टी थ्री होता है और यहाँ पर ट्वेंटी टू आ रहा है ये गलत हो गया पांच सौ के बीस तो ये दो सौ हो गया और ये एक सौ साठ हो गया तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटी है द कॉस्ट ऑफ वन बनाना। वन डजन का मतलब केले तो बारह बनाना है उनकी कॉस्ट कितनी है थर्टी तो एक की कितनी हो जाएगी थर्टी अपॉन ट्वेल्व फिर है द कॉस्ट ऑफ सिक्स ऑरेंजेस सिक्स ऑरेंजेस की कॉस्ट है अठारह तो एक की कितनी हो जाएगी अठारह बटे छः। अब इन दोनों का रेशियो पूछा है एक एक की वैल्यू का तो थर्टी अपॉन टिक्स अब यहां पर ट्वेल्व और यहाँ पर सिक्स दोनों को बराबर करोगे तो इसको टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ये इक्वल एंट में चला जाएगा तो ये हो गया थर्टी अपॉन रेशियो ये हो गया अठारह दो छत्तीस बटे बारह तो बारह से बारह कैंसिल हो जाएगा कितना बच गया थर्टी रेशियो थर्टी सिक्स तो ये किससे चला जाएगा छ से छो तीस और छ छत्तीस तो फाइव रेशियो सिक्स ऑप्शन नंबर फोर इसका सही होगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एटी वन एक पतंग में सम्मित रेखाएं होती है लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ काइट है एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ठीक है इस तरीके से बनाओगे तो ये बीच में से जाएगी आधा पोर्शन इधर है और आधा पोर्शन इधर है तो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री यहां पर होती है नेक्स्ट है एटी टू हाउ मेनी लेटर्स ऑफ इंग्लिश एल्फाबेट सिमेट्री तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री कितने एल्फाबेट्स में होती तो so, इसका आंसर हो जाएगा आपका इलेवन और वो अल्फाबेट कौन कौन से हैं देखो लेटर ए में ये हो गई वर्टिकल बी में नहीं होता है सी में भी नहीं होता एच आई एम ओ T, U, V, W, X और Y. ठीक है तो लेटर कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन तो ये इलेवन लेटर्स होते हैं जिनमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है नेक्स्ट है एटी थ्री कॉस्ट ऑफ टू डजन टू डजन का मतलब चौबीस पेन तो चौबीस पेन की कॉस्ट कितनी है एक सौ आठ कितने का पूछ लिया तीस पेन की वैल्यू चाहिए तो एक पेन की कॉस्ट हो जाएगी डिवाइड बाई ट्वेंटी फोर और थर्टी की निकालनी तो मल्टीप्लाई बाई थर्टी कर दो सिक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा छः चौक चौबीस और छपन चौ तीस और चार से एक सौ आठ चला जाएगा चार दूनी आठ चार सात अट्ठाईस और सत्ताईस को पाँच से मल्टीप्लाई कर दो कितना जाएगा एक सौ पैंतीस तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेक्स्ट है एटी फोर एंड एंगल ऑफ फिफ्टीन डिग्री इज ड्रॉन यूजिंग अ पेर ऑफ कंपाज एंड रूलर हाउ इज इट डन 15 डिग्री का एंगल बनाना है तो 15 डिग्री देखो किससे जाएगा 60 डिग्री को बाइसेक करोगे तो 30 डिग्री मिलेगा 60 डिग्री और 120 को बाइसेक करोगे तो 90 डिग्री का मिलेगा 60 को बाइसेक करोगे तो 30 का मिलेगा और फिर वापस इसको बाइसेक करोगे 30 को तो कितना मिल जाएगा 15 डिग्री तो इसका ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट है एटी फाइव इफ टू लाइन है आर कोड यानी कि वो लाइन कैसी हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी परपेंडिकुलर है तो नाइन्टी डिग्री पे कट होना जरूरी है वैसा यहां पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है पहला लाइन एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है और ट्रांसवर्सल दो लाइनों को काटने वाली एक लाइन ट्रांसवर्सल होती है और अगर एक ही ट्रांसवर्सल हो रही है एक लाइन का एक ही तो वो दोनों लाइन अपने आप में ही क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी तो इसका ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन फोर फिर है

वट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ सीट बोन्स तो अधिकतम और न्यूनतम सीटों के बीच की संख्या का अंतर पूछा है तो अधिकतम तो देखो सबसे बड़ा ग्राफ ये है ये जा रहा है एग्जैक्ट इसके बीच में तो ये कितना हो जाएगा 200 और 250 के बीच की वैल्यू होती है 225 और सबसे कम ये है 50 और 100 के बीच में है तो ये हो गया पिचहत्तर तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का हो जाएगा 150 का तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम सीट्स टू मिनिमम सीट्स तो मैक्सिमम कितनी आ गई थी 225 और मिनिमम आ गई थी पिछहत्तर डिवाइड करोगे तो पिछहत्तर से डिवाइड चला जाएगा पिछहत्तर से एक बार और ये चला जाएगा तीन बार तो रेशियो आ जाएगा थ्री रेशियो वन ऑप्शन नंबर फोर इसका सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टी वन द मैक्सिमम सीट तो मैक्सिमम सीट कौन सी पार्टी देखो सबसे ज्यादा किसके पास में डी के पास तो ऑप्शन हो जाएगा इसका नंबर टू फिर है एटी नाइन देखो क्या कहता है कि वाई, ये वाई, कर रही किसको, एंगल एम एक्स एन को कितने रेशियो में वन रेशियो टू में तो सबसे कम रेशियो इसको है, तो वन ये होगा, और ये टू होगा तो इसको हम कह देंगे वन एक्स और ये हो जाएगा टू एक्स ठीक है और क्या कहता है एम एक्स एन सेवनटी टू डिग्री का यानी कि इन दोनों का जो सम है तो टू एक्स प्लस वन एक्स कितना हो गया 72 degree तो बराबर कितना हो जाएगा? 3 से डिवाइड कर लो चौबीस डिग्री चला जाएगा एक्स की वैल्यू तो कौन सा पूछ रहा है वाई एक्स एन वाई एक्स एन यानी की टू की वैल्यू पूछ रहा है तो ट्वेंटी फोर को टू से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर टू जाट ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्टी कहता है द कॉस्ट ऑफ फाइव पेन्स एंड थ्री पेंसिल्स इज रुपीज नाइन्टी फाइव एंड ट्वेंटी सेवन रेस्पेक्टिवली तो पाँच पेन की जो कॉस्ट है वो है नाइन्टी फाइव और तीन पेंसिल की जो कॉस्ट है वो है ट्वेंटी सेवन तो एक पेन की कॉस्ट कितनी चली जाएगी नाइन्टी फाइव डिवाइड बाई फाइव ये आ जाएगा कितना रुपीज नाइनटीन और यहाँ से एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी चली जाएगी ट्वेंटी सेवन डिवाइड बाई थ्री तो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई नाइन रुपीज अब क्या कहता है द कॉस्ट ऑफ सेवन पेन्स तो एक पेन का नाइनटीन है तो सेवन का कितना हो जाएगा नाइनटीन मल्टीप्लाई बाई सेवन प्लस फाइव पेंसिल तो नाइन को फाइव से मल्टीप्लाई कर दोगे एक सौ तैतीस रुपए तो इसके हो गए और पैंतालीस रुपए इसके हो गए टोटल कितने हो गए एक सौ अठहत्तर रुपए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आयू, आयू है यदि तो राजू की आयु की की तो रानी की? और उससे कितनी अधिक है पांच साल अधिक है तो प्लस पांच कर दोगे अब ऐसा रिलेशन है यहां पर एक्स में दिया हुआ है तो इनमें से रानी की एज को क्या मान लेना है एक्स तो राजू कितना हो जाएगा दो एक्स प्लस पांच तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू फिर है पर मीटर की कॉस्ट है कि उसके पेरीमीटर को कवर कर रहा है और कौन सा है स्क्वायर पार्क है तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो क्या होती है फोर मल्टीप्लाई बाई साइड ये हो गया और कितने राउंड है फाइव राउंड है तो यानी कि फाइव टाइम इसका पेरीमीटर हो गया और कॉस्ट के लिए इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो 10 से तो कितना रुपया आ रहा है अपने पास में ये जो भी दिया हुआ है अब इन सब को मल्टीप्लाई कर लो और साइड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा साइड बराबर 708000 डिवाइड बाय 10 5 जा 50 और 54 जा 200 दो जीरो से दो जीरो चली जाएगी और टू से डिवाइड करोगे तीन हजार पांच सौ चालीस अब ये देखो ये मीटर में है पर मीटर तो ये किस में है मीटर में तो यहां पर कितना हो गया तीन हजार पांच सौ चालीस मीटर तो मीटर में ये है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेक्स्ट है नाइनटी थ्री सेवन हंड्रेड फिफ्टी मीटर किलोमीटर में चेंज करना है तो सेवन फिफ्टी को किससे डिवाइड कर दो थाउजेंड से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव जीरो

डिवाइड में दोनों प्राइम नंबर हैं तो एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 323 आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 17 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 15 को मल्टीप्लाई करोगे आप 19 से तो इसको जब भी आप सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 302 अपॉन 323 तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फिर है नेक्स्ट थ्रू what एंगल डज द आवर हैंड क्लॉक टर्न थ्रू when इट goes टू टू इलेवन जब घड़ी की स्वी दो से ग्यारह तक जाती है तो दो से ग्यारह तक जाने में कितने घंटे लगे वो आप टाइम काउंट कर लो दो से ग्यारह तक जाती है तो ये हो गया बारह एक और ये दो तो दो से कहा तक जाएगी ग्यारह तक जाएगी यहां पर था और घूम के यहां तक आने में उसको कितना एंगल लेना पड़ा तो देखो कितने घंटे हो गए तो तीन घंटे बच गए ना एक दो तीन यानी कि नब्बे डिग्री कम कर दो तीन सौ साठ में से तो तीन सौ साठ में से नब्बे तो कितना दो सौ सत्तर नेक्स्ट है हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजस्टेंट एंगल्स आर देयर इनटर एक कॉर्डिलेटर में आसन कोण युग्म कितने होते हैं तो देखो कोई भी एक कॉर्डिलेटर है अपने पास में ये कोण और ये कोण एक दूसरे का आसन है तो ये हो गया पहला पेयर इसके भी है तो ये हो गया दूसरा पेयर ये इसका हो सकता है ये हो गया तीसरा पेयर और ये हो गया इन दोनों का तो ये हो गया चौथा पेयर तो टोटल कितने पेयर हुए चार नेक्स्ट है टू वायर्स आर 12 मीटर और 16 मीटर लॉन्ग द वायर आर टू बी कट इनटू पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ

तो देखो पहला क्या कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर दो इवन नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा कैसा होता है इवन होता है तो ओड नहीं होता तो पहला ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा द सम ऑफ थ्री ओड नंबर है मे मे बी बी इवन और ओड या तो सम हो सकता है या फिर विषम हो सकता है तो देखो इसमें भी क्या है कि ये भी सास हो सकते हैं कि द सम ऑफ थ्री ओड नंबर तो ओड प्लस ओड ये होता है इवन और इवन के साथ में कोई भी ओड नंबर जोड़ा जाएगा तो ये हमेशा क्या होगा ही होगा। फिर उसके बाद में है सारे सारे के, बता, prime numbers not have any factor. कि के कोई गुणक नहीं होते तो देखो यहाँ पर मोस्ट कंसिडरबल जो आंसर है वो अपन लेंगे फोर को और वो क्यों लेंगे क्योंकि अभाज्य संख्याओं के फैक्टर होते हैं लेकिन सभी संख्याओं में कॉमन है एक तो एक और एक नंबर खुद ये दोनों के दो आ, दो फैक्टर हर एक नंबर का होता है लेकिन इनके अलावा कंपोजिट नंबर में देखा जाए तो इनके अलावा भी फैक्टर्स मौजूद होते हैं तो वन और नंबर वो तो सभी के लिए कॉमन रहेगा तो मोस्ट कंसिडरेबल जो अपना आंसर रहेगा जो कि कौन सा रहेगा ऑप्शन नंबर फोर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 की थ्री मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई सेवन इक्व सेवन मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई थ्री यहां पर देखो क्या कर रहा है प्रिफरेंस चेंज कर रहा है तो थ्री और फाइव का मल्टीप्लाई पहले है इधर सेवन और फाइव का पहले है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन तो ऑप्शन नंबर नंबर इसका सही हो जाएगा देखो क्वेश्चन लास्ट है सानिया पर डे एक दिन का वो कितना कमाती है तीस रुपए तो पर डे के हिसाब से अपने को कैलकुलेट करनी है फरवरी 2023 में अब फरवरी 2023 है तो फरवरी में देखो दो दिन होते हैं या तो 28 तक होते हैं या फिर उनतीस दिन होते हैं डिपेंड करता है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर अब 2023 कौन सा होगा ये होगा नॉन लीप ईयर कौन सा होगा नॉन लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं 28 दिन तो 28 दिन की उसकी पगार निकालनी है तो 28 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से तो आंसर कितना हो जाएगा आठ रुपए तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर तो ये था अपना वीडियो सोल्यूशन क्लास सिक्स का थैंक यू बाय बाय